शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। ट्रैफिक पुलिस सतीश कुमार ने दी बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी और पाठ्य पुस्तकें, कहा यातायात नियमों के बारे में जानकारी होना। नमस्कार, खबर हरियाणा प्रदेश की शान में आपका स्वागत पेश करते हैं। आज की खबरें। हरियाणा जिले के झज्जर के गांव छारा में स्थित गवर्नमेंट गर्ल प्राइमरी स्कूल छारा में सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी पर बुधवार को सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सतीश कुमार यातायात समन्वयक ने बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी और उन्हें यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखना चाहिए और जेबरा क्रॉसिंग से रोड को पार करते समय सावधान बरतनी चाहिए व यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन ना चलाए, चलती गाड़ी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करे और कहीं भी सड़क दुर्घटना होने पर 1073 फोन का इस्तेमाल करने के बारे विस्तार से जानकारी भी दी। सड़क सुरक्षा संगठन के सदस्य प्रवीण शर्मा ने बच्चों को यातायात नियमों के बारे विस्तार से बताया। सतीश कुमार, कोऑर्डिनेटर यातायात ट्रैफिक पुलिस, एक बच्चे से प्रश्न पूछने पर उन्हें पुस्तक देकर भी सम्मानित किया गया और कहा कि सभी बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में काफी बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती विजय लक्ष्मी व समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। वहीं इस मौके पर उनका कहना था कि क्या बताया गया बच्चों को, हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल फोन यूज के बारे विस्तार से बताया गया है। वह दुर्घटना होने पर कहीं को एक्सीडेंट होता है, उस पर 107 दिन में कॉल करने के बारे बताया गया है। वह बताया गया कि आपने आपके जो परिवार में हैं उनको ये बातें सभी बतानी है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ये ज़्यादा इसमें सहायक होते हैं। ये जो बातें हम बताते हैं उनको तमाम बातों को अपने जीवन में उतारते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते हैं। ट्रैफिक रेगुलेशंस की तरफ से भी किताबें भी बांटी गई हैं बच्चों को। तमाम बच्चों को मैंने रोड सेफ्टी की किताबें दी हैं और मैडम का आश्वासन दिया है कि मैडम अगर आपको और किताब चाहिए, आपने फिर प्रोग्राम कराना है तो आप मुझे बुला सकते हैं। जब भी आप पूरे जिले में कोई भी मुझे किसी स्कूल में बुलाएगा, मैं स्कूल में तुरंत जाऊँगा और प्रोग्राम दूंगा। इस तरह से कार्यक्रम जो होते रहते हैं, बच्चों को क्या मोटिवेशन हो, इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। दुर्घटना में भी कमी आई है और जो रोड सेफ्टी क्विज हम हर साल कराते हैं उसमें भी हमारा जिला प्रथम पायदान पर रहा है। धन्यवाद मैम आपका। और जो रोड सेफ्टी नियम आज छारा में बताएंगे, आपकी तरफ से क्या बताएंगे? मैं प्रवीण शर्मा, डायरेक्टर शक्ति विद्या मंदिर हाई स्कूल बहादुरगढ़ जी। आज प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल छारा 2 में एक रोड सुरक्षा के लिए प्रोग्राम किया गया। मुख्याध्यापिका विजया लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। हमारे साथ हमारे रोड सेफ्टी के कोऑर्डिनेटर श्री सतीश कुमार जी भी थे। हमने छोटे बच्चों को अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम दिया कि उन बच्चों को, क्योंकि बालहट बहुत फेमस है और छोटे बच्चे को किसी चीज़ को बताया जाएगा वो उसको चाहे हट करके चाहे प्यार से उसको मनवा लेगा। इसीलिए हमने छोटे बच्चों में अवेयरनेस का प्रोग्राम आज रखा ताकि वो अपने पेरेंट्स को बताएँ, उन्हें जागरूक करें और रोड के ऊपर जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं उनमें कमी आए और बच्चे इसके प्रति जागरूक होंगे तो नेचुरल बात है कि वो रोड के ऊपर सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यही लक्ष्य है और सारा काम केवल पुलिस के ऊपर ही नहीं है, ये जिम्मेवारी हम नागरिकों की भी है और ये जिम्मेवारी इन बच्चों को जो कि भावी भारत का भविष्य है उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो इसके अंदर सहायक सिद्ध हो। और आगे भी हम लोग इस टाइप के प्रोग्राम देते रहेंगे ताकि सड़क सुरक्षा के अंदर बहुत कमी आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहे और बच्चों के अंदर एक्सीडेंट की भावना के प्रति जागरूक हो और ये प्रोग्राम बहुत लाभदायक रहेंगे। सतीश की तरफ से भी, सर की तरफ से भी एक बच्चों को पूछे गए थे क्वेश्चन, तो उन्होंने बताया था और बुक्स देकर सम्मानित भी किया। हाँ, सतीश सर ने बच्चों को सम्मानित किया, लाइब्रेरी के लिए भी बुक्स दी है और ये आश्वासन भी दिया है कि स्कूल छोटा या बड़ा कोई नहीं होता, बच्चे छोटे या बड़े कोई नहीं होते, छोटा बच्चा जल्दी सीखता है और ये इस टाइप के प्रोग्राम हम आगे भी स्कूलों में देते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं छारा स्कूल से मुख्य शिक्षक हूँ और आज हमारे स्कूल के अंदर जो है सतीश जी ट्रैफिक इंचार्ज हैं जो, और पवन जी ये भी आए हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमारे स्कूल में, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में आके बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में बच्चों को मोटिवेशन किया है।
आगे बढ़ने के लिए भी बोल दीजिए या इनकी नॉलेज के लिए भी, लेकिन छोटा बच्चा कैच जल्दी करता है इन बातों को और वो अपने जीवन में लागू भी करता है और घर पे जाके भी बताता है कि भी आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ और वो आए थे, ऐसे सर ने बोला ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। तो जैसे ये इन्होंने प्रोग्राम चला रखा है तो ये बहुत ही अच्छा है, इनकी मुहिम जो छेड़ी है एक्सीडेंट की संभावनाएँ कम होती है, अगर होती भी है कोई भी देखता है तो कॉल करके बुला सकता है इनको और वो दुर्घटना से हम निजात भी पा सकते हैं। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें